हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर्स को आप कैसे ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन में, और कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से कैसे रिमूव कर पाएंगे सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली आपके पास आइकन शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन से ओपन हो जाएंगे। सिंपली सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो सेटिंग्स से आपके फ़ोन में शो हो रही है। तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, बैक करना है और आपको फ़ोन आइकन्स पे चले जाना है। कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन आइकन्स डायल रीसेंट कॉल्स वगैरह शो हो जाती हैं, थ्री डॉट भी शो हो रहा है जहाँ से सेटिंग्स पे जा सकते हैं और किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से आप रिमूव कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी नंबर्स को ब्लॉक करना चाहते हैं, नंबर आपको डाल देना है 10 डिजिट का और प्लस पे क्लिक करते ही नंबर आपके फ़ोन में ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं ऐड करके, या फिर आप यहाँ से कोई भी कॉन्टैक्ट्स को टैप करके ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और जब आप डन करते हैं तो आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ से ब्लॉक हो जाएंगे, देखते हैं ब्लॉक हो चुके हैं। तो इस तरीके से नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट से रिमूव करना चाहें तो माइनस ऑप्शन पर क्लिक करना है, रेड माइनस पर, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर ब्लैक लिस्ट से रिमूव भी हो जाता है। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।